तो ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन एक्सपोर्ट मार्ट जारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेजेपी एएसपी गठबंधन उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी हो गई है। तीसरी लिस्ट में 18 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बता दें कि रादिया में निर्दलीय रणजीत चौटाला का समर्थन किया गया है, वहीं जेजेपी उम्मीदवार यमुनानगर का इंतजार किया जाएगा। अली गुर्जर साथ ही साथ में थानेसर में सूर्य प्रताप सिंह राठौड़, इंद्री से कुलदीप मदान, पानीपत ग्रामीण से रघुनाथ कश्यप, टोहाना से हवा सिंह खोबड़ा, वहीं रतिया से बात करें रमेश कुमार ओढ़, कालावली से गुरजंट तिगड़ी पार्षद जो फिलहाल है उन्हें मौका दिया गया है, आदमपुर से कृष्ण गंगवा को, तो वहीं हिसार से रवि आहूजा को मौका दिया गया है, रोहतक से जितेंद्र बलहारा, कलानौर से महेंद्र सुडारा को मौका दिया गया है। बादली की बात करें, बादली सीट पर कृष्ण सिलाना को उतारा गया है। जज्जर में नसीब सोनू वाल्मीकि को मौका दिया गया है। हतीन में रविंद्र सहरावत पर भरोसा जताया गया है। फरीदाबाद एनआईटी में हाजी करामत अली पर भरोसा जताया गया है। ये जेजेपी के उम्मीदवारों की सूची है। तो वहीं संयुक्त सूची जारी की गई है, इसमें एएसपी के उम्मीदवारों का भी नाम शामिल है। एएसपी उम्मीदवारों में रादौर सीट से मनदीप टोपरा को उतारा गया है, रेवाड़ी से मोती यादव, फरीदाबाद से निशा वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, तीसरी सूची भी जारी हो गई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रणजीत चौटाला को समर्थन दिया गया है। हालांकि कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की ओर से एक बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि रानिया में रणजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और जननायक जनता पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और रणजीत चौटाला का समर्थन बीजेपी की ओर से किया जाएगा और उनके सामने कोई उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी से नहीं होगा, नहीं उतारा जाएगा। और जबकि ये बात भी कही गई थी कि रणजीत चौटाला खुद डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला का समर्थन करते नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी से डबवाली के उम्मीदवार हैं और रणजीत चौटाला उनका समर्थन करेंगे, यानी आपस में जो है एक ही परिवार के दोनों लोग हैं और एक ही चौटाला परिवार से आते हैं, तो आपस में अपने अपने सीटों पर एक दूसरे का चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और रानिया में सबसे बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला इस वजह से किया है। और आज जननायक जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 18 लोगों को शामिल किया गया, 18 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 15 जननायक जनता पार्टी के हैं और 3 जो सहयोगी पार्टी है एएसपी उसके उम्मीदवार उतारे गए हैं। और अभी तक जो है अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें तो दोनों पार्टी की ओर से कुल 48 उम्मीदवारों की सूची अब तक जारी कर दी गई है। 3 सूचियों में 48 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से 39 उम्मीदवार जो है वो जेजेपी से हैं और 9 उम्मीदवार जो है वो एएसपी से हैं। हालांकि अभी और भी जो सूचियां हैं वो जारी होनी है पार्टी की ओर से और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है अगली सूची भी जारी हो सकती है, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है और नामांकन की जो तारीख है वो खत्म होने से पहले पहले जो ज्यादातर जो सूचियां वो जारी करनी है, सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज दोबारा फिर कोई शाम तक कोई सूची जारी हो सकती है, ताकि कल नामांकन के दिन जितने उम्मीदवार घोषित किए जाए वो अपना समय पर नामांकन भी कर सकें। और इसी कड़ी में तीसरी लिस्ट जेजेपी की ओर से जारी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के।